से तो कोई परहेज है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी तो खुद स्वयं इनकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। मकसद सारी विपक्षी सरकारों को परेशान करना, तोड़ना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, और उसी मकसद में जब दिल्ली के अंदर हर हथियार अपना के, दिल्ली में, पंजाब में हर हथियार अपना के जब फेल हो गए, तो अब अंतिम हथियार के तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता और आम आदमी की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की और दिल्ली सरकार को गिराने की एक साजिश रची। आम आदमी पार्टी पहले से ही सवालों के घेरे में है। नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है। यहाँ पर सीबीआई अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ करती है, 56 सवाल पूछती है, लेकिन इन बीच अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करते हुए नजर आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, तमाम चीज़ों में दिल्ली में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया है, इन मुद्दों के तहत अपनी सच्चाई को बताते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, तो वहीं संजय सिंह अपनी ही पार्टी पर यहाँ पर बचाव करते हुए देखे जाते हैं। नई आबकारी नीति में संजय सिंह खुलासा करते हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। यही संजय सिंह जब अपनी पार्टी का बचाव करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही संजय सिंह विपक्ष पार्टियों का समर्थन भी पाते हैं, विपक्ष पार्टियों का साथ भी देते हैं, विपक्ष पार्टियों का समर्थन करते हुए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, सबूत दिखाते हैं। अडानी मुद्दे पर क्या कुछ मोदी सरकार ने किया है, इसकी सच्चाई बताते हुए भी नजर आते हैं। संजय सिंह राज्यसभा में देखे जाते हैं। संजय सिंह जब राज्यसभा में अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी जांच की मांग करते हैं, तब देखा जाता है कि वहां पर जगदीश, आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं, यहां पर देखा जाता है कि राज्यसभा में कार्यवाही स्थगित हो जाती है, और इसी पर आरोप लगाते हुए स्पीकर पर ही हमला बोलते हैं संजय सिंह कि ये जानबूझकर कार्यवाही रद्द की जा रही है। अब ठीक ऐसे ही मोदी सरकार पर संजय सिंह हमलावर रहते हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, अडानी मुद्दे पर अपनी जुबान खोलते हुए सबूत पेश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही संजय सिंह अब एक नया खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या खुलासा है, वो यहां पर काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ संजय सिंह ने अब नया खुलासा पीएम नरेंद्र मोदी पर किया है, सबूतों के साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में कितने घोटाले, भ्रष्टाचार है, उन सब का पर्दाफाश करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ संजय सिंह ने इस रिपोर्ट में कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने तमाम साक्ष्य रखकर, तमाम प्रमाण रखकर ये साफ तौर पे बताया कि दरअसल शराब घोटाला तो बहाना है और सरकार को गिराने का इरादा है। दिल्ली की सरकार को गिराने का, विधायकों को तोड़ने का, ऑपरेशन लोटस चलाने का भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में छुपा हुआ जो एक मकसद है पहले से, उसके लिए ये फर्जी कहानियां गढ़ी जाती। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उनको डर लगता है केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है, और केजरीवाल से लड़ाई इसलिए लड़नी है कि दिल्ली की सरकार उनके आंख की किरकिरी बन गई है। एक ऐसी सरकार
जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनवाती है, सड़कें बनवाती है, बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, मां बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है। यह सरकार दिल्ली में चल कैसे रही है? इस सरकार को गिराओ, ऑपरेशन लोटस चलाओ। पहले विधायकों को खरीदने की कोशिश की, फिर हमारे दो दो मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येन जैन जी को जेल में डाल दिया। कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही है तो अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे एकमात्र मकसद है सरकार को गिराना। दिल्ली की सरकार को किसी भी तरीके से गिराओ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों की चर्चा, दिल्ली सरकार के अच्छे कामों की चर्चा, स्वास्थ्य के, शिक्षा के मॉडल की, बिजली के, पानी के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हो रही है तो कैसे हो रही है? तो इस सरकार को गिराने का एक मकसद है। और कैसे है आपको याद होगा, 40-40 विधायकों पर फर्जी मुकदमे किए, सुंगलू कमेटी की जांच कराई, पहले भी एक बार सीबीआई का छापा केजरीवाल जी के दफ्तर पे मारा। कब से प्रयास में लगे हुए, थक गए, हार गए, परेशान हो गए, सब कुछ करके देख लिया, तो बोले अब एक ही शख्स बचा हुआ है जिसको सपने में देख के मोदी जी चौक के उठ जाते हैं, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब उसको गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो। शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, पहली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं है। आज पूरे प्रमाण सामने रखा केजरीवाल जी ने, कहा मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, 14 फोन जिंदा है, 5 फोन खुद ईडी सीबीआई के पास है, 6-6 लोग अपने बयान बदल चुके हैं कि गन पॉइंट पे उनसे बयान लिया जा रहा है, मेरा नाम झूठे तरीके से डाल दिया चार्जशीट में। तो मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश है। भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज ही नहीं है मोदी जी को। अभी तक तो केजरीवाल जी ने बताया दिल्ली की विधानसभा में कि नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त अडानी की कंपनी में लगाया है। यह दिल्ली की विधानसभा में बोला हुआ। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि गोवा के सीएम की उन्होंने शिकायत की तो एक दलाल से पूछकर उन्होंने सतपाल मलिक को फोन किया कि आपकी जानकारी गलत थी। यह है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे ये तो 4 राज्यों के राज्यपाल जो रह चुके सतपाल मलिक जी, उनका बयान है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं बताते इन आरोपों के बारे में? इसमें और आगे बयान आप सुनिएगा तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझसे एक दलाल से मिलने के लिए कहा था। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सतपाल मलिक जी। तो भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज है ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो खुद स्वयं, इनकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मकसद सारी विपक्षी सरकारों को परेशान करना, तोड़ना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना। और उसी मकसद में जब दिल्ली के अंदर हर हथियार अपना के, दिल्ली में, पंजाब में हर हथियार अपना के जब फेल हो गए, तो अब अंतिम हथियार के तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता और आम आदमी की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की और दिल्ली सरकार को गिराने की एक साजिश रची। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था सीएम को, सर क्या बातचीत हुई, क्या सॉलिडेरिटी दिखाई है उन्होंने? देखिए, इस पूरी घटना पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल वार्ता की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने अपना समर्थन इस पूरे मामले में जताया है कि वो इस घटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी बयान सामने आया है,
वहां के उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान सामने आया है, दूसरे अन्य नेता भी संपर्क कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। सवाल यह है कि ये अगर ये रवैया होगा कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, जो उनकी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसको गिरफ्तार करो, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि दिल्ली की सरकार को गिराने के जितने प्रयोग थे सारे के सारे प्रयोग असफल हो गए। ये अंतिम प्रयोग केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके वो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनके नाक के नीचे जो बैठी हुई है वो उनके आंख की किरकिरी बन गई है। ये पूरा मामला। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि विपक्षी दल जो एकजुट हो रही है बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए है, प्रधानमंत्री के खिलाफ है या फिर एजेंसियों तक? अभी जो मुद्दे हैं सामने आते हैं अलग अलग मुद्दों पे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर मोदी अडानी के घोटाले पर जेपीसी की मांग को लेकर सारे विपक्षी दलों की एकजुटता रही, जेपीसी की मांग हम लोग करते रहे। ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें उत्पीड़न की कार्रवाई बेबुनियाद तरीके से होती है, उसमें एकजुटता सामने रहती है। बाकी अभी चुनावी दृष्टिकोण से जब कोई बात आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे। संजय सिंह सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू को दिखाते हुए नजर आते हैं जिसमें पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सत्यपाल मलिक बताते हैं कि 40 जवान जो शहीद हुए हैं उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ है। यहाँ पर जवानों की सुरक्षा की जा सकती थी, उनकी जान नहीं जाती, और जो ये सीमा पर तैनात रहते हैं इनकी सुरक्षा की जा सकती थी। यहाँ पर राजनाथ सिंह से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी। जब ये हमला हुआ था उस वक्त कहा गया था कि उनको विमान मुहैया कराया जाए, जो अपने जवानों को जल्दी से अस्पताल पहुँचाया जाए और तमाम तरीके से उनकी सुरक्षा की जा सके। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से भी यही कहा गया था, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए ये दोनों ही दिखाई दिए। इसके सच्चाइयों को पेश करते हुए संजय सिंह ने यहाँ पर सत्यपाल मलिक का वो इंटरव्यू दिखाया है जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सत्यपाल मलिक के खुलासे से पीएम नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब उनकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है, अब उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या फिर उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, उनके खिलाफ जांच बिठाई जा सकती है। जब ईडी सीबीआई तमाम विपक्ष की जाँच कर रहा है तो ऐसे में सवालों के घेरे में आते हुए यहाँ पर संजय सिंह ने खुलासा किया है कि अब ईडी सीबीआई को यहाँ पर जाँच करनी होगी पीएम नरेंद्र मोदी की, वरना पीएम नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दे या खुद कबूल करते हुए नजर आए, क्योंकि तमाम तरीके से घिर चुके हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है इसमें पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नई साजिश रचते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर उनके खिलाफ ही कार्यवाही होती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़।